जिले में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक महकमे सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वतन पर शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि वित्तीय एक वर्ष में तकरीबन 264 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया, जो लोगों के लिए एक मिसाल कायम करता है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, कलेक्टर अनुग्रह पी, पुलिस महानिरीक्षक सहित सामाजिक जनप्रतिनिधि मंडल ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को याद करके उनके परिजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। मेरा लड़का प्रधान आरक्षक के पद पर परवाह में कार्यरत था। लोग से श्रद्धा उस दिन कोई पर्व था। स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक बच्चा डूब रहा था। उस बच्चे को उसने बचाने में अपनी जान जोखिम में डाल करके वो शहीद हो गया। बच्चे को बचा लिया था और बच्चे को बचा लिया, परंतु वह अपने आप को नहीं बचा पाया। क्या संदेश देंगे सभी ने पुलिस सेवा इसी तरीके से करनी? इस प्रकार उन्होंने पुलिस सेवा करके जन सेवा करके और अपना नाम रोशन किया। देखिए, पुलिस सर्विस में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, वो हमेशा हर दिन तो त्याग और बलिदान करते हैं छोटे मोटे रूप में, लेकिन एक तारीख है आज की 21 अक्टूबर की, जिस दिन जो उनकी सबसे मुख्य आहुति उनके प्राणों का बलिदान है उसको सम्मान देने के लिए ये पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ पे जो एक पेट्रोलिंग पार्टी लद्दाख में ITBP की थी, जो पैरामिलिट्री की, उस पर जो हमला हुआ था और उसमें जो शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, उनकी स्मृति में हर साल पूरे देश की जितनी भी राज्यों की पुलिस है और जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके त्याग को सम्मान देने के लिए, सही स्थान देने के लिए हर साल इसको मनाया जाता है और उनको सही तरीके से जो है उनका सम्मान किया जाता है। खरगोन के लिए शहीद जी, उनका सम्मान किया गया है। उन्होंने अपने जो उनके पुत्र थे हमारे पुलिसकर्मी, उनके द्वारा 2016 में जो भूतड़ी अमावस्या के दिन एक बालक जो डूबने से उसको बचाया था और उसको बचाते हुए अपने प्राणों का आहुति दी थी, तो उन्हीं को आज हमने सम्मानित किया। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।